स्पॉन्सर तो क्या ही होगा जब कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो दीज 10 इजी स्टेप्स जो जिनमें कि कोई पैसा लग नहीं रहा, चालू कर देते हैं। लिख के रखा है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ऐसा 10 एज पॉइंट पॉइंट वाला मेरा पहला वीडियो ना, एंड आई रियली स्वेयर बाई दीज थिंग्स। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा होता ये वाली चीज़ें। और जिन जिन में थोड़ा बहुत पोटेंशियल है कि हाँ ठीक है इतना ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी मैं बताते चलूँगा। ओके, पहली चीज़ जो मैंने करनी बंद करी, मैंने स्क्रबिंग, जो हार्श स्क्रब वगैरह आते होते थे ना, वो यूज़ करने बंद करे। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में स्किन केयर करने लगा था तो स्क्रबिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसा करके बताया जाता होता है। फॉर एग्जांपल हिमालय वाला स्क्रब आता है करके, उसका बहुत ऐसे वो किया गया है कि मार्केटिंग अच्छी हो रखी है तो मतलब ऐसे लोग ले लेते होते हैं। आई हैव स्टॉप यूजिंग स्क्रब ऑन माई फेस, ऐसे हार्श केमिकल वाले स्क्रब। एक्सफोलिएटर के जैसे यूज़ कर रहे होते ना, तो मैं केमिकल एक्सफोलिएटर यूज़ कर रहे होते हैं। केमिकल एक्सफोलिएटर्स क्या होता है वो किसी और वीडियो में, कभी और, लंबा टॉपिक है। पर हाँ, ऐसे स्क्रब वाले स्क्रब मैंने यूज़ करने बंद कर दिए। दूसरी चीज़ जो मैंने करी, मैंने सेंटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जिनमें फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो प्रोडक्ट्स अपने फेस के लिए यूज़ करने बिल्कुल बंद कर दिया। बॉडी पे कभी कभी बाय चांस मैं यूज़ कर लेता होता, पर मैंने फेस पे बिल्कुल बंद कर दिया। क्योंकि ऐसे कॉमेडिजेनिक होते हैं वो, लॉन्ग टाइम में इरिटेंट्स का काम कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस वगैरह क्या केमिकली तो डालते हैं वो लोग फ्रेग्रेंस के लिए, कोई नेचुरल फ्रेग्रेंस तो होती नहीं इन चीज़ों की। तो वो वाली चीज़ें मैंने बिल्कुल बंद कर दी। अपने फेस पे कोई फ्रेग्रेंस वाला, कोई खुशबू नहीं चाहिए। हाँ रहने दो, कोई बात नहीं, खुशबू का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। फेस पे खुशबू का क्या काम है? काम जिस चीज़ के लिए प्रोडक्ट लिया है उस उतना काम करे ना, खुशबू देख लेंगे हम अपने आप। तो खुशबू वाला प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिया। तीसरा चीज़ जो मैंने रिसेंटली चालू किया है, 2-3 महीने पहले, मैं फेस वॉश बंद कर दिया है। सुबह में अपना मुँह नहीं धोता हूँ। बहुत मुश्किल से बाय चांस जैसे रात में स्टिकी स्टिकी वाला प्रोडक्ट यूज़ किया हो तो जेंटल क्लेंजर से भले ही मैं धो लूँ, अदरवाइज मैं फेस वॉश ना ही करने की कोशिश करता हूँ सुबह में। क्यों? क्योंकि रात में हमारी बॉडी जो ऑयल वगैरह हमारी स्किन को प्रिजर्व करने के लिए सिक्रीट करती होती है, उनको ऐसे मैं चाहता होता हूँ कि वो ऐसे रहें फेस पे, उनको मैं एकदम स्ट्रिप आउट ना कर दूँ सुबह पहले ही धो के। तो इसलिए ये चीज़ भी मैंने चालू किया है। ये कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि ऐसे गंदा गंदा लगने लग जाता है अगर फेस वॉश ना हो, स्टार्टिंग में मुझको भी लगता था, पर अभी मुझको ऐसे धीरे धीरे आदत हो गया है तो इट्स नाइस। ओनली मैं शाम के टाइम फेस वॉश करता होता हूँ। दूसरा, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन मैं बाय चांस कभी ऐसे मिस करता हूँ, लाइक हफ्ते में 1-2 दिन, 1 दिन, वरना इनको इन जब भी वो भी घर पे रहूँ तो बाहर जाने में सनस्क्रीन कभी मैं मिस नहीं करता होता। ये प्रोडक्ट वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रहा होता हूँ अपनी। और अच्छा मॉइस्चराइज़र, अच्छी सनस्क्रीन गोज़ अ लॉन्ग वे। अगर स्किन के कोई इश्यूज़ नहीं हैं तो इन दोनों चीज़ों से बहुत काम हो सकता होता है। पांचवा चीज़ जो है वो है, मैं एकदम से अगर कोई नया स्किन केयर प्रोडक्ट यू ऐसे इंट्रोड्यूस करना हो तो मैं ऐसे नहीं होता कि 2-3 का चीज़ों का ऐड देखा और अगर 2-3 चीज़ें साथ में मंगाई हैं तो उन 2-3 चीज़ों को एक साथ इंट्रोड्यूस किया अपने स्किन केयर में। नहीं, एक प्रोडक्ट को जैसे एक दिन ट्राई किया, दूसरे दिन ट्राई किया, 1-2 दिन रेस्ट देने के बाद ट्राई किया, फिर अगर वो सूटेबल लगता होता है तो फिर मैं उसको मौका देता होता हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 2-3 स्किन केयर प्रोडक्ट्स नए नए मंगवाए हैं और सब एक साथ सेल विल में हम लोग मंगवा लेते होते हैं, फिर चाव में कि ऐसे आज ये भी सब लगा लेते हैं, ऐसे स्किन इरीटेट हो सकती होती है। तो ये भी नहीं करता होता मैं पहले ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ एक को कि हाँ ठीक है ये सही जा रहा है स्किन के साथ, कूल, हम अब आगे बढ़ सकते होते हैं। फिर कोई और ऐसे स्टैकअप नहीं करना है कि ये भी यूज़ कर लो, नहीं। और एक पांच, कौन सा 6th पॉइंट पे हम हैं मैं जिनकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही होती है ना, ऐसा नहीं है मुझको प्रॉब्लम है उन ब्रांड से, लेकिन ऐसे
इतनी सारी चीज़ों का मार्केटिंग हो रहा होता है यार, सब नहीं ले लेते ना, क्योंकि ये भी अच्छा मार्केटिंग चल रहा है, ऐड दिखा रहे, ये भी अच्छा दिखा रहे, ये दिखा रहे, ये करते हैं, वो करते हैं। क्लेम्स पे मैं नहीं जाता हूँ, मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ता हूँ, इनकी लिस्ट जो होती है वो भी मैं कभी पढ़ना बताऊँगा, ठीक है। आज की वीडियो जो चीज़ें मैं नहीं करता हूँ उनके लिए है, धीरे धीरे कर लेंगे हम लोग, धीरे धीरे मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो हाँ, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना एक अलग वो होता है, उसके लिए से 2-4 मिनट लगेंगे बताने के लिए। तो मैं देखता होता हूँ क्योंकि मेरी स्किन को किस चीज़ का असर होता है, ऐसा नहीं कि वो दिखा रहे हैं तो मुझको भी यूज़ करना चाहिए। अभी जब मुझको वो इशू ही नहीं है तो मैं क्यों यूज़ करूँगा, नहीं कि मतलब क्योंकि यार मार्केटिंग इतनी बढ़िया होती है चीज़ों की कि ऐसा लगता होता है यार हमें भी ले लेना चाहिए, हमें भी ले लेना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। भरोसा रखो, जितना का ज़रूरत होता है उतना का ही मतलब ऐसे स्किन पे चीज़ें लगानी होती है, ऐसे नहीं कि अच्छा ऐड अच्छा आया था उसका ऐड दिखा रहे थे हमको भी चाहिए होगा ये। नो, आई डोंट डू दैट, आई डोंट। स्किन का मामला है, मेरा स्किन है, मुझको भरना पड़ेगा ना अगर मैं इतनी सारी चीज़ें करूँगा तो, कि सिर्फ इसलिए कि ऐड अच्छा था यार मैंने मंगा लिया। आई डोंट डू दैट। एज अप्रोप्रिएट चीज़ें भी लगानी चाहिए, लाइक एक चीज़ जो मैं ऐसा नहीं है कि ओके एंटी एजिंग बहुत हैवी है किसी में और मैं अभी यूज़ कर लूँ, अभी मैं बहुत अर्ली 20s में हूँ अपने, मुझको बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग वाली चीज़ें करने का ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। क्यों करना है, क्यों अपनी स्किन को पहले ही उस चीज़ से, जब भी फिर वो एज आएगा उस टाइम पे क्या करेंगे। तो इसलिए यूज़ के अकॉर्डिंग स्किन केयर करना। 7th शायद ये है, ब्लीच वाली चीज़ें जिनमें ब्लीच होता है मैं वो यूज़ नहीं करता अपने फेस पे। लाइक अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे है फेयरनेस वाला चीज़, और मैं बोलता लोगों को ऐसे लगूंगा कि मेरे को बोलने का क्या हक है, मैं इसलिए बोल सकता होता हूँ मैं, और क्यों नहीं बोल सकते, जब भी मुझको लगता होता कि हमारी स्किन जैसी होती है वो एकदम हमको भगवान जी ने दी होता, परफेक्ट किसी का कुछ कभी नहीं होता, और क्यों करना है ब्लीच, मतलब क्यों करना है हमको किसी और कलर का अपने आप को, या फिर जो हमारे नेचुरल भी नहीं है, और जो नेचुरल चीज़ें नहीं होती ना वो लगती भी नहीं है। मैं कोई फेयरनेस प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता हूँ। बेबी योर स्किन इज सो नाइस, डोंट डू दैट, योर स्किन कलर इज, हमारे माँ बाप की जीन्स से हमको आया है तो वी कैंट डू एनीथिंग अबाउट दैट। हमको पता है गोल क्या होना चाहिए, गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमें उस ऐड वाली लड़की जैसा दिखना है या फिर उस ऐड वाले लड़के जैसा दिखना है, गोल ये होना चाहिए हमारी स्किन को, हमारी स्किन जितना हेल्दी हो सकती है अपने हिसाब से वो होए, और जितना ग्लोई ग्लोई हो सकती है, जितना अच्छा अच्छा दिख सकते हैं हम अपनी स्किन में। ऐसा नहीं है कि कोई किसी और की स्किन तुम्हारा स्किन गोल नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी अपनी स्किन की हेल्थ तुम्हारी स्किन गोल होनी चाहिए, ठीक है। बच्चा लोगों को प्यार करना शुरू कर दो अपनी स्किन से। एक और चीज़ जो मैंने बंद करी है जो कि सबके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। मेरे को फेस पे ऐसे चीज़ें छोटी छोटी होती थी, मतलब मेरी थी कुछ टाइम, एक दो साल पहले। फिर दूध बंद करने से ऐसे लोगों को फायदे हो रहे हैं, मैं कहा ओके ठीक है, आई कैन डू दैट, मैं दूध बंद कर सकता होता अपना, तो मैंने दूध बंद कर दिया था। एकदम बंद नहीं किया क्योंकि मुझको भी पता, फिर वो तो वो बात हो गया ना कि एकदम दूध बंद कर दिया और बाय चांस कभी दूध का ज़रूरत हुआ, दूध न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है तो दूध का ज़रूरत तो रहता होता है, तो मैंने हौले हौले दूध कम किया था, बंद अभी तक भी नहीं किया, जब भी ऐसे पीने का मन होता है मैं पी लेता हूँ। वहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसकी स्किन पे भी इशूज़ चल रहे थे, तो मैंने बोला मैंने कहा दूध बंद करके देख ले एक बारी, देन शी डिड इट, उसको कुछ अफेक्ट नहीं पड़ा, मेरी स्किन पे अफेक्ट पड़ा पर उसकी भी कुछ अफेक्ट नहीं पड़ा। ये दो एग्जांपल्स क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्राई करके देख सकते हो, अगर तुम्हारे लिए काम कर रहा तो अच्छी बात है, अगर काम नहीं कर रहा तो वापस अपना दूध पीना शुरू कर देना। और लास्ट एक दो चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट है, मैं अपने चेहरे को बार बार टच नहीं कर रहा होता हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है, कितना भी क्लीन रख लो पर हम सर्फेसिस को टच करते हैं, जो भी आसपास चीज़ें रहती है हाथ से ही तो कर रहे होते ना सब, और फिर उस हाथ को बार बार फेस पे लगाने से ऐसे स्किन थोड़ा सा इरिटेट हो सकती होती है, तो मैं अपने मुझको तो वैसे भी ज़्यादा चीज़ें टच करना बिल्कुल नहीं पसंद है, बार बार अगर हाथ लगाने का आ जाते हैं तो उसको बंद कर दीजिएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में लिखा मैंने, मेरे को एकदम से याद आ गया था, गीली गीली त्वचा पे, गीली गीली स्किन पे, जैसे एकदम फेस वॉश के बाद तभी की तभी प्रोडक्ट्स यूज़ करना नहीं चालू कर देना है, कि तभी की तभी स्किन के
एक दो मिनट उसको थोड़ा सा सूख जाने दो। और रेटिनॉल जैसी कुछ कुछ चीज़ें होती है वो तो एकदम बोन ड्राई स्किन पे यूज़ करने की होती है, तभी वो इफ़ेक्टिव होती है, जिनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन एक बात क्या रहा, स्किन को सूखने देना है पहले स्किन केयर चालू करने से। कूल, तो ये था आज का हमारा ऐसे सिंपल चीज़ें। मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बताया, देखा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन तो स्किन केयर वाले लोगों के पास नहीं, सबके पास होना चाहिए। तो उनके अलावा मैंने और कोई प्रोडक्ट्स नहीं बताया है, और ये सब सिंपल सिंपल चीज़ें करके अब स्किन को ऐसे नॉर्मल से हेल्दी, काफ़ी हेल्दी बना सकते होते हैं। पानी पिया करा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर ऐसे स्टाइलिंग वीडियोस, स्किन केयर वीडियोस, मेकअप वीडियोस एंड सेल्फ केयर। सेल्फ केयर क्या है हमारा गोल, इस चैनल का गोल मेन क्या है, सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ वाली ऐसे अपने इनसिक्योरिटीज़ कम करना। अगर आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ कम करवानी हो तो इधर आइए, बच्चों लोग पूरी फुल पार्टी करेंगे हम सब लोग। There must be something that feeds her. There must be something that feeds her.